हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी स्टनिंग मॉम चैनल। आई एम शीतल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डॉलर ट्री का हॉल, और इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगी जो डेकोरेशन से रिलेटेड है। और ये डेकोरेशन आइटम हमारे घर में बेसिक हमेशा रहना ही चाहिए, बिकॉज अगर हम कभी बाहर नहीं जा पाते हैं और कुछ फेस्टिवल आ गया है, कुछ पार्टी हमें सरप्राइज़ करना है, कुछ प्लान करना है तो हम उस सब चीज़ों को उन्हीं सारी चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो वो आप देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, लाइक पहले स्टनिंग क्रिएशन ही मेरा फर्स्ट चैनल था, तो उसी चैनल में मैं सारे व्लॉग्स हर टाइप के वीडियोस को अपलोड करती थी। बट अब मेरे दो चैनल हैं, स्टनिंग मॉम और स्टनिंग क्रिएशन। स्टनिंग क्रिएशन चैनल शीतल तिवारी करके है, उसमें मैं ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल के बारे में, स्किन केयर के बारे में वीडियो शेयर करती हूँ। और मेरा जो द स्टनिंग मॉम है, इसमें लाइफस्टाइल, डेकोरेशन, DIY और इसके साथ साथ मदरहुड, पेरेंटिंग, बेबी से रिलेटेड और फेस्टिवल सेलिब्रेशन, पार्टी सेलिब्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस इसमें रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन हो रहा था, बिकॉज मेरे पास एक दो क्वेरीज आई थी इसको लेकर, तो ये चीज़ भी मैं आपसे क्लियर करती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल के अपने लिंक दे दूंगी, आप मेरा उस चैनल को भी जाके स्टनिंग क्रिएशन को ज़रूर से चेक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा उस चैनल को। और साथ ही साथ कुछ पुराने वीडियोस जो उसमें हैं रिलेटेड टू USA के शॉप कैसे होते हैं, अगर आप यहाँ पे नई आई हैं, नई सेटल हुई हैं, तो आपको कौन से शॉप में क्या मिल सकता है वो है, अपार्टमेंट के बारे में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस चैनल में है, तो आप उसे चेक कर सकती हैं। और यहाँ पर हम फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने यहाँ पर कैसे पार्टी सेलिब्रेशन किया था लास्ट ईयर, तो वो सारी चीज़ें हैं, आप वो सब चीजें चेक कर सकते हैं। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूं। सो फ्रेंड्स, मैं नीचे बैठ गई हूं ताकि मैं अपने सारी चीजों को आपके साथ आराम से शेयर कर सकूं। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा ऐसी कुछ चीजें नहीं ली हैं, मगर चलिए जो भी लिया है मैं आपके साथ शेयर करती हूं। सो सबसे पहले मैंने ये दो फ्रेम इस तरीके से लिए हैं, बहुत ही सुंदर ये आर्ट इसमें है, और एक ये इसी से मिलता जुलता मैंने ये लिया था, और बहुत ही सुंदर ये आर्ट है। मैं चाह रही थी कि इसमें तीन का सेट मिले, बट ये नहीं मुझे मिल पाया। और मुझे अपने वॉल के लिए कुछ चाहिए था, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि थोड़ा सा चेंज किया जाए मुझे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि मुझे डेकोरेशन बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करती हूँ। और डॉलर ट्री डेकोरेशन के लिए वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं मैक्सिमम मेरा रहता है कि मैं वहीं से सारी चीज़ें परचेस करूँ। इसके बाद मैंने एक ये छोटा सा एल्बम लिया है वहाँ से, और ये एल्बम में मुझे, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं तो मुझे लगाना है, और इन क्वालिटी भी इन सब की अच्छी रहती है। इसके अलावा मैंने ये लिया था, एक टेबल क्लॉथ लिया है, ये प्लास्टिक का है और इसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, 52 इंच बाय 70 इंच है। सो ये मैंने ले लिया कि कभी अगर फ्यूचर में मुझे कुछ चाहिए हो, कहीं पे लगाना हो, तो मैं लगा सकती हूँ। इसके अलावा वहाँ पर ये मैट इस तरीके का मिल रहा था कि डाइनिंग टेबल मैट है, तो ये मैंने लिया। इस टाइप की चीज़ें मैं लेती रहती हूँ अगर मैं कभी वहाँ पे गई तो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं हमेशा डेकोरेट अपने घर में चेंज करती रहती हूँ डेकोरेशन को, तो मैं ये सब चीज़ें खरीद लेती हूँ। और इसके अलावा मैंने ये बटरफ्लाइज लिए हैं, बहुत ही क्यूट से चार का सेट है ये, रेड एंड ये, तो ये मैंने कुछ सोचा हुआ है, कुछ फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगी, हो सकता है आप उस समय देखें। और उसके बाद मैंने ये एक क्लॉथ लिया है वहाँ से, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन इसमें ये लिखा है बेबी ब्लैंकेट, बट मुझे ये सब चीज़ें लाइक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने उस पर्पज़ से तो नहीं लिया है, इसको भी मैं कहीं पे अपने टेबल वेबल में लगाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली हो सकता है कि मैं अपने भगवान के पास अगर होगा तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। और इसके बाद इस तरीके का यहाँ पर ये बहुत अच्छा ये मिल रहा था बर्ड्स, सो ये बर्ड्स और वो जो बटरफ्लाई आपने देखा, मैं वहाँ गई, मुझे ये चीज़ दिखा और मेरे दिमाग में कुछ थीम था, क्योंकि फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रहा है, और मुझे नहीं पता आगे सिचुएशन क्या होगी, मुझे ये सब चीज़ें दिखी तो मैंने ले लिया था कि मैं डेकोरेट कर पाऊँ। और इस तरीके का ये देखिए, बहुत ही क्यूट क्यूट से ये प्लांट है, तो ये सब चीज़ें भी मैं शायद उस समय ही यूज़ करूँगी। काफ़ी माइंड भी फ्रेश हो गया अगर वहाँ जाने के बाद, अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ घर में बैठे बैठे तो इंसान बहुत ज़्यादा भी बोर हो गया है। और ये सब चीज़ें मैंने ली हैं, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और बर्ड्स और ये जो बटरफ्लाई मैंने दिखाया, ये तो मैं अभी अपने कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैंने कुछ थीम सोच के रखा हुआ है, उसके लिए मैं ऐसे करूँगी, और उसी थीम के लिए मैंने ये भी लिया है। ये काफ़ी अच्छा कलर का इस तरीके से ये वहाँ पर मुझे मिला, फ्लावर का पूरा सेट है, और इसी में मैंने ये
ग्रीन कलर का लिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और देखना चाहते हैं कि मैं क्या इनका यूज़ करने वाली हूँ फेस्टिवल्स में, तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ से ये लिया। इस टाइप की चीज़ें जितने भी आपको ये लग रही हैं, मैं इन सबको स्पेशली टेबल के ऊपर ही बिछाने के लिए यूज़ करती हूँ। ये भी है, ये सेल्फ लाइनर है, बट ये भी मेरा सेल्फ लाइनर मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं किसी टेबल पर यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से ये लिया, और ये एक कॉटन के वहाँ से बर्ड्स लिए, बिकॉज़ ये भी घर में काम आते ही रहता है। इसके अलावा मुझे वहाँ पे ये एक अच्छा सा बॉक्स दिखा, तो ये मैंने ले लिया। लेट्स सी मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ। अब इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अभी लिया है, और ये ही सारी चीज़ें हैं जो आपके पास हमेशा रहना चाहिए, बेसिक चीज़ें जो कभी भी अगर कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना है तो आप इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा एक पार्टी को सेटअप को रेडी कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये डबल टेप, ये मेरे पास ऑलरेडी था बट मैंने एक और ले लिया कि काम मुझे पड़ता ही रहता है। डबल टेप के अलावा मैंने यहाँ से ये लिया था, ग्लू लिया था। ये ग्लू भी मेरे पास पहले का ही, इनफैक्ट तो ये सारे आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से थी और कुछ चीज़ें मैंने अभी ली जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और ये मेरे पास रखा हुआ ये हैंगिंग है, सो ये मैंने लेकर रख लिया कि कभी कुछ यूज़ में आ जाए। सो ये कुछ डेकोरेशन, और ये है जो ये भी आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ये हैप्पी बर्थडे का है, मेरा पुराना हो गया था तो ये मैंने नया ले लिया कि अभी बर्थडेज़ भी आने वाले हैं तो काम आएगा। इसके अलावा मैंने ये पैकिंग पेपर लिया है, पैकिंग पेपर भी मेरे पास हमेशा रहता है। एक ऐसा लिया है मैंने और एक जेलेटिन का लिया है कि अगर इन केस आपको कहीं जाना है और आपको कुछ गिफ्ट पैक करना है तो आपके पास ये हमेशा रहना चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास ये बलून्स के पैकेट हमेशा रहते हैं, मैं हमेशा इनको घर पे रखती हूँ। और ये मैं आपको भी बोलूँगी कि ये बलून का पैकेट, बर्थडे का हो गया, डबल टेप हो गया और ग्लू हो गया, ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ लाइटिंग्स, ऐसी बैटरी वाली लाइटिंग्स आती हैं तो ये लाइटिंग्स भी मेरे पास बहुत सारी हैं और ये पहले की हैं मेरे पास, तो ये लाइटिंग्स भी आप रखिए। और साथ ही साथ ऐसे इलेक्ट्रिक कैंडल्स आते हैं, इस तरीके के इलेक्ट्रिक कैंडल्स आते हैं, सॉरी, ऐसे इलेक्ट्रिक कैंडल्स आते हैं, तो ये भी मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं। और मैंने मतलब एक बार इनको लिया और मैं इसको कई सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक कैंडल आप हमेशा अपने पास रखिए। और इस टाइप के वहाँ पे टॉवल्स मिल रहे थे तो मैंने ये सब ले लिया। मैंने आपको बताया कि इस टाइप की चीज़ें मैं हमेशा ऐसे कपड़े जो मिलते हैं मैं लेती हूँ, और बिकॉज़ इन सब चीज़ों को मैं डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करती हूँ। मुझे कहीं पे इसे एज अ लाइनर यूज़ करना है, कहीं बिछाना है, और स्पेशली ये कलर तो मैंने लिया है जो मैं अपने भगवान के पास लगाने वाली हूँ। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कैंडल्स मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ मगर बहुत कम यूज़ करती हूँ, और इसे मैं टेबल वेबल के ऊपर ही यूज़ करती हूँ बिकॉज़ पूरा घर हमारा कारपेट का है और वुडन का है तो ये रिस्क है, इसलिए मेरे पास इस टाइप के कैंडल्स रखे हुए हैं। और काफ़ी सारे ये कैंडल्स रखे हैं, मैंने एक बार में ही नहीं लिया था, धीरे धीरे मैं करके लेती गई थी। और ये काफ़ी सारे आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे स्टनिंग क्रिएशन में जाके, या इस चैनल में भी देखेंगे स्टनिंग मॉम्स में भी, तो मैंने इन कैंडल का कई जगह यूज़ किया है। तो ये कैंडल्स के अलावा ये लाइटिंग्स जो मैंने आपको बताई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसके ये ट्रांसपेरेंट टेप मैंने रखा है अपने पास। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक कैंडल आप हमेशा रखिए, अगर आपका घर में अलाउ मतलब ऐसा कोई रिस्क नहीं है तो आप कैंडल्स हमेशा रखिए, लाइटिंग्स हमेशा थोड़ी बहुत आप अपने पास रखिए, टेप हमेशा, डबल टेप हमेशा रखिए अपने पास, और ट्रांसपेरेंट टेप रखिए, बलून आप हमेशा रखिए, हैप्पी बर्थडे का जो टैग है ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ग्लू हमेशा रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं, और इससे आप अपना कोई भी पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल बहुत अच्छे से, ये चार चांद लगा देता है। जो लाइटिंग और कैंडल्स हैं ये बहुत ज़्यादा लुक चेंज कर देता है, आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके चेक करते सकते हैं स्टनिंग क्रिएशन में, मैंने इनका कैसे इस्तेमाल किया है, और मैं हर जगह बार बार यही सब चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप बाहर नहीं भी जा सकते हैं और ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को बहुत अच्छा थीम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अभी तो फिलहाल। एक लास्ट मैंने ये वहाँ से एक ये लिया था, तो ये मैंने ले लिया कि कुछ सॉक्स हो गए या कुछ बेबी के कुछ अगर कपड़े हो गए तो इसमें मैं रख सकती हूँ जो धुलने वाले हो, तो मैंने बस, मुझे अच्छा लगा मैंने ये ले लिया। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।